नमस्कार, पोल्ट्री इंडिया टीवी में मैं अमित नागपाल आपका रोज की तरह हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि पोल्ट्री का जो व्यवसाय है बहुत सारी विषमताओं से और बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसे वक्त में अगर छोटी सी भी कोई बात आ जाए खुशखबरी तो वो बहुत बड़ी मानी जाएगी। आपको पूरी सूचना देते हैं, कर्नाटका पोल्ट्री फार्मर्स एंड ब्रीडर्स एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि वो स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक कैलिब्रेशन करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। पोल्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये कैलिब्रेट करके जॉइंट वेंचर में इसको आगे बढ़ाएंगे, इस काम को। डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी हैं जो CEO हैं ASCI के। उन्होंने बताया कि पोल्ट्री सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट इसमें यूज़ होने शुरू हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, तो इसके लिए अच्छा स्किल डेवलपमेंट वाले वर्कर भी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे स्किल डेवलपमेंट बहुत बेहतर होना चाहिए। और KPFBA वैसे ही जो है आगे बढ़कर इस लेवल पे काम करती आई है, और अब ये ऑर्गेनाइजेशन जब आपस में मिलकर काम करेंगी तो इससे पोल्ट्री का नया इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा बेहतर होगा, जो देश के लिए भी काफ़ी अच्छा है और पोल्ट्री की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो प्रेजिडेंट हैं KPFBA के, उन्होंने बताया, मिस्टर अखिलेश बाबू जी, उन्होंने थैंक्स किया ASCI का इस कैलिब्रेशन के लिए और कहा कि ये एसोसिएशन कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है पोल्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और ये जॉइंट वेंचर इस काम को और ज़्यादा गति प्रदान करेगा और ये प्रैक्टिस जो है और ज़्यादा बेहतर साबित होगी पोल्ट्री के लिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की। देश के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन एक शुरुआत बहुत अच्छी है। क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं कि जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर पोल्ट्री से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी फर्में हैं, जब सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उस समय सर्टिफाइड जो स्टाफ है वो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर ऐसा स्टाफ सिलेक्ट किया जाता है जो कहीं तजर्बा हो, जिसका किसी उसने हैचरी में किसी पोल्ट्री फार्म पे काम किया हो या किसी लेयर फार्म पे काम किया हो, उसको सिलेक्ट करना ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन फिर सर्टिफिकेशन नाम का प्रोसेस अभी है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। इससे एक सर्टिफाइड हो जाएगा एक व्यक्ति, इससे फायदा ये होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत फायदा मिलेगा और दूरगामी परिणाम आप देखेंगे इसका बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। और उन लोगों के लिए भी, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, उन लोगों के लिए भी जो सर्टिफाइड हो जाते हैं किसी भी वजह से किसी भी कोर्स में, तो वो देश के बाहर भी अगर काम करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेशन ये बहुत ज्यादा मदद करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जॉइंट जो इन्होंने साझा काम किया है ये देश की भलाई के लिए दूरगामी तौर पर बहुत अच्छा साबित होगा। एक और निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज लाखों किसानों तक, लाखों पोल्ट्री किसानों तक पहुंचे, तो आप भी हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, poultryindiatv@gmail.com, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल इस सारी बात की है, जो बातें छूट गई है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर की ऑप्शन है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।